सो हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, मेरा नाम दिनेश मिश्रा है और आप लोगों का काफ़ी समय के बाद एक नए वीडियो में स्वागत है। बीच में कोरोना भी आया और चला गया और वापस कोचिंग पहले की तरह खुल चुकी है और मुझे लगा कि एक मेरा बहुत ही प्यारा पुराना स्टूडेंट आया हुआ था, तो मुझे लगा कि उसके साथ एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि कुछ सक्सेस स्टोरीज ऐसी होती हैं जो बहुत ही मोटिवेशनल होती हैं और जिसको सुनना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे साथ मेरे केबिन में मौजूद हैं अमित सिंह। 2009 में रेडियंस से ही वॉज क्वालिफाइड इनटू आईआईटी और 2009 काफ़ी लंबा समय हो गया, और जितना मैं जानता हूँ मोर देन 8-10 बच्चों को तो इसने गाइड कर करके US में पहुँचा दिया होगा। क्योंकि मेरा जो कंसल्टेंसी का पॉइंट होता था US एडमिशन्स के लिए, वो अमित ही होता था। तो कोई भी मेरे से पूछता था US एडमिशन के बारे में, कुछ भी बताओ सर क्या है, तो मैं तो अमित से ही पूछता था और कई बार अमित को डायरेक्टली कनेक्ट भी कर देता था। तो वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स ही इज़। तो वेलकम अमित। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे रेडियंस में तुम आए हो और इस वीडियो के लिए अपना समय निकाले हो। बिल्कुल सर, रेडियंस का बहुत बड़ा योगदान है मेरे करियर में, तो आई एम वेरी हैप्पी। ग्रेट। सो एक्चुअली अमित, मैं सबसे पहले, हम लोग की जो बातें हैं काफ़ी कैजुअल रहेंगी, तो हम लोग की जो बातें हैं, मैं कई चीज़ें तो मुझे भी नहीं पता और वो जानना चाहूँगा, और उसके अलावा मैंने देखा है कि कुछ बातें जैसे अपनी हुई हैं, कई बात तो तुमने मुझे बताई, मुझे खुद बहुत मोटिवेशन लगती हैं। तो ऑन कैमरा करने का यही पर्पस है कि बाकी लोग भी उसको जान पाएँ, समझ पाएँ। तो थोड़ा सा मेरे को पहले ये बताओ, इनफैक्ट आई शुड नॉट से मेरे को, मतलब हमारी ऑडियंस को, स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को, जो भी यहाँ पे इस वीडियो को देख रहे हैं, कि थोड़ा सा बैकग्राउंड की स्कूलिंग कहाँ हुई थी, 10th कहाँ हुई, 11th कहाँ हुआ और 12th क्या हुआ, आईटी का आइडिया कब आया, थोड़ा सा इस बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जी, तो मैं ओरिजिनली बिहार से हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में हैं, तो हम लोग अलग अलग जगह पले बड़े हैं, तो कभी पंजाब, कभी बिहार, कभी अलग अलग स्टेट्स में। तो मोस्ट ऑफ द स्कूलिंग्स मेरी कानपुर में हुई है। तो पहले मैं 3rd क्लास में, मैंने डायरेक्टली 3rd क्लास से स्टार्ट किया, तो मेरा 1st 2nd स्किप हो गया था। तो 3rd क्लास से मैंने पढ़ाई चालू किया 7 एयरफोर्स स्कूल में। तो पहले मैं एयरफोर्स स्कूल में पढ़ता था, फिर पापा का ट्रांसफ़र हो गया शिलोंग में, फार नॉर्थ ईस्ट। तो पापा बोल रहे थे कि गांव चलते हैं, हम लोग सोच रहे थे यस, तो शिलोंग चलते हैं या गांव चलते हैं। तो उसमें शुरू से ही मेरे लाइफ में मेरे टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो वहां पे एक मैडम थी जो मैथ में मुझे बहुत पसंद करती थी, 5th क्लास की बात है। तो उन्होंने 5th क्लास में मैं सेंट्रल स्कूल में आ गया था 7 एयरफोर्स से, क्योंकि उस टाइम पर ट्रांसफ़र की जब बात चल रही थी पापा की, तो लोगों ने बोला था कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय लेंगे 7 एयरफोर्स की जगह, तो एयरफोर्स स्कूल हर जगह पे नहीं है पर केंद्रीय विद्यालय हर जगह पे हैं। तो हमने ट्रांसफ़र के जस्ट पहले केंद्रीय विद्यालय में करा लिया था। तो उसी कुछ महीनों या आई थिंक अराउंड 1 ईयर, उसी में एक मैडम को मेरा मैथमेटिक्स काफ़ी पसंद आया था। यूजली मैं मैथ और साइंस में थोड़ा वीक था, क्योंकि वो गाँव से आने के बाद वो इंग्लिश में कैच कर पाना बहुत मुश्किल था, पर मेरा मैथ काफ़ी स्ट्रांग था। तो वो मैडम को बहुत पसंद आया, तो मैडम ने पापा को आर्मी से बुला के समझाया कि बच्चा आपका अच्छा है, आप चिंता मत करिए। वो उनके हस्बैंड भी मैथ के टीचर थे, पर वो मिडिल और हाई स्कूल के टीचर थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे हस्बैंड आप वो कुछ करके वो एडमिशन का और वो सब देख लेंगे। तो फिर हम लोग 6th से 10th तक फिर कानपुर में रुक गए मैडम के कहने पे, फिर वहीं पे पढ़ाई हुई। 7th तक तो मैं ऐसे ऑर्डिनरी स्टूडेंट ही था, 8th से मैंने टॉप करना स्टार्ट किया था। तो जो कुछ लोग, और उसमें केंद्रीय विद्यालय में क्या था, 5 सेक्शंस हुआ करते थे और उसके बाद डबल शिफ्ट भी थी। तो जब मैं टॉप करता था तो वो 5 सेक्शन मिला के एंड डबल शिफ्ट जब वो स्टार्ट हुआ था, तो मैं वो जो 5 सेक्शन हो गए, फिर डबल शिफ्ट के जितने स्टूडेंट्स हो गए, फिर मैं सब में टॉप करने लगा। फिर मैंने 10th टॉप किया। कानपुर में ही IIT है और मैं IIT गया था एक बार एज ए वन ऑफ द गेस्ट लेक्चर, वो काफ़ी फेमस गेस्ट लेक्चर था, मैं अभी नाम भूल गया, पर हम लोग वहाँ पे गए थे क्योंकि टीचर ने बोला था जूस मिलेगा। तो हम लोग IIT में लेक्चर सुनने गए थे, वो स्टूडेंट्स का वो भीड़ बढ़ाने के लिए वो ले जाते हैं। तो मैं IIT गया था, थोड़ा बहुत सुना भी था, पर हमें आइडिया नहीं था IIT क्या है। पर उस टाइम पे कानपुर में हमें रिकमेंड किया था कि आपका लड़का अच्छा है, इनको बायो की जगह मैथ साइंस दिलाइए, बायो में बहुत पैसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट्स होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। तो मेरे IIT में आजू बाजू भी मेरे जैसे बहुत सारी कहानियां हैं।
तो उस टाइम पे मैं 8th का नहीं किया, 9th का किया। तो उसमें भी जैसे सबको 300 रुपये लगता था वो क्लासेस करने का, तो मेरे को 50 रुपये में कि हाँ ये लड़का अच्छा है, तो हमारे हमारा मतलब वो उन्होंने अपनी तरफ से टीचर्स ने जो हो सकता है बहुत अच्छा योगदान दिया। तो उसमें इंग्लिश के टीचर केपी सिंह सर, मैथ्स के टीचर सब्रवाल सर, वो वहीं पे फिजिक्स भी पढ़ाई जाती थी, तो वहीं से काफी अच्छा बेस बन गया। मगर मेरे को थोड़ा सा ये बताओ कि पापा क्या जॉब में हैं आपके, और पापा मम्मी के बारे में थोड़ा सा बताओ ब्रीफ में आप। तो मम्मी मेरी मैट्रिक तक पढ़े हैं और पापा बीए पढ़े हैं, और वो बीए पढ़ने के दौरान ही उनका आर्मी में हो गया था। तो पिताजी आर्मी में है 38 ईयर्स, 38 ईयर्स सर्विस। तो 38 साल से, क्योंकि मेरी 3 बहनें भी हैं, हम लोग बिहार से हैं, तो उसको लेकर पिताजी अभी तक सर्विस कर रहे हैं 38 ईयर्स। इस काइंड ऑफ की उन्होंने फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा सपोर्ट दे रखा है हम लोगों को, तो वो बहुत काम आया हम लोगों नहीं, वो मैंने भी देखा कि को। जब मुझे याद है कि उस समय पापा एडमिशन के लिए आए, तो मुझे हाँ याद है सर, कि शायद वो बताने। 12th के टाइम पे आए थे, हाँ, तो 10th के बाद तो क्या उसके हुआ? बारे में बताओ थोड़ा हाँ सा। सर, तो 10th के बाद क्या हुआ था, हम लोग जबलपुर आए थे, तो उसमें दादाजी का देहांत हो गया था, तो हमें गांव जाना पड़ा था, तो उसमें हमारा थोड़ा टाइम निकल गया। तो जब हम लोग जबलपुर आए, तो उस टाइम पे 2 कोचिंग था, रेडियंस मोमेंटम। हम लोग कभी ये सुनते थे, कभी ये सुनते थे, ऐसे करते करते हमारा 11th निकल गया। तो उस टाइम पे हमने फिर मतलब रेडियंस के बारे में थोड़ा अच्छा सुना, तो हम रेडियंस में वो, क्योंकि फीस थोड़ी सी हाई थी, 1 ईयर के लिए आई थिंक 33 to 35 thousand उस टाइम पे था। तो हमने सर से बात किया, सर ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, तो उस टाइम पे हमने वो एक एग्ज़ाम दिया था उसके लिए। तो उसमें मैं आई थिंक फर्स्ट या सेकंड आ गया था। तो फिर सर ने मतलब हमारे एक्सपेक्टेशंस से काफ़ी कम फीस में हमें एडमिशन दिया, पढ़ाया लिखाया, तो आई थिंक 10+5, तो हाफ, लेस देन हाफ हो गया था हमारा फीस। तो उसमें क्योंकि वो जो स्टेज होता है लाइफ में, उसमें मनी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो उस टाइम पे अगर पैसा कम नहीं होता, तो मोस्ट लाइकली मैं रेडियंस के मतलब IIT की तैयारी नहीं करता। 11th में भी एक बार हुआ था कि मैं स्कूल में, बच्चे वो मोमेंटम का वो लाते थे, नोट्स लाते थे, तो मैंने किसी से बोला कि भाई मेरे को भी नोट्स दे दो, अगर तुमने पढ़, क्योंकि नोट्स अलग अलग गुच्छे में आता है, तो अगर तुमने कोई पढ़ लिया है तो मेरे को दे दो, मैं तैयारी करूँगा। तो उस टाइम पे याद है मेरे को स्कूल में किसी ने बोला था IIT इज़ नॉट फॉर यू, तो मैंने ये कौन तो बोला था? एक लड़की थी तो मतलब ऐसे ही। तो उस टाइम पे भी IIT का ये था कि IIT हमें ये नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो इनफैक्ट रेडियंस के बाद क्लियर करने के बाद भी मेरे को और पापा को, सबको लगा कि जॉब लग गई है, हमें ये भी नहीं पता था कि IIT कॉलेज एडमिशन है। तो हम लोग गांव में खुशी मना रहे हैं, सब लोग सोच रहे हैं कि लाखों की जॉब लग गई है। मतलब IIT क्लियर करने के बाद, मतलब हमारा जो इग्नोरेंस लेवल ये था, तो लकली मतलब मेरी लाइफ में स्पेशली टीचर्स का काफ़ी योगदान है, स्पेशली रेडियंस, क्योंकि नहीं पता होता है, अभी तो नेट का ज़माना है, उस टाइम पे तो कीबोर्ड भी नहीं देखा था हम लोगों ने। तो उस टाइम पे मेहनत से कॉपी पेन पेपर पे होती थी, वो थोड़ी अच्छी मेहनत लगती थी। 1 ईयर में हमने 11th और 12th दोनों कवर किया, मैं 1 ईयर बैच में था। हाँ, मैंने ये देखा कि मतलब खास करके अमित के पापा के बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं मतलब ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट हम्बल पर्सन आई हैव एवर सीन। हाँ पिताजी, मतलब वो इतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड देते हैं, जैसे अभी भी मेरे घर आए कुछ दिनों पहले, मुलाकात की, बोले अरे हमने कुछ नहीं किया सर, सब आपने किया। वो बात सही भी है एक हद तो तक। मैंने ये देखा है लाइफ में कि जितने मतलब सफलता के कोर में आप जाएंगे देखेंगे तो ग्रेटिट्यूड बहुत ढेर सारा होता है। और तो 12th में आया, और हमारा उस समय 1 ईयर जो बैच था उसमें ही कवर्ड इन क्लास 12th, 11th 12th बोथ पूरा ही कवर किया। और उसके बाद थोड़ा सा मैं ब्रीफ में अमित से ये पूछना चाहूँगा कि उस एक साल में जब 11th 12th पूरा करना हाँ था, सर तो उसमें मतलब क्या चैलेंजेस तुमने फेस किए, जी उनको जी ओवरकम कैसे किया, वो एक साल जो प्रिपरेशन का था। हाँ सर। तो सिंस एक साल में मैं काफ़ी कवर कर रहा था, 11th में मैंने थोड़ा अरिहंत इधर उधर से पढ़ के तैयारी किया था, तो मुझे लगा था कि हो रहा है तैयारी IIT का, पर एक्चुअली जब मैंने ज्वाइन किया, देन आई रियलाइज कि भाई जो एक्चुअल तैयारी IIT की, वो बहुत अलग होती है। जो हम लोग
स्कूल से पढ़ के करते हैं, तो मैं केंद्रीय विद्यालय में था, वहाँ अटेंडेंस भी मेंटेन करना, तो सबसे बड़ा जो चैलेंज आया था वो अटेंडेंस का आया था स्कूल में, कि स्कूल में बोलते थे कि हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस ट्वेल्थ में कोचिंग पे कर रहे थे, और स्कूल में बोलते थे तुम्हारा 70% होना चाहिए, नहीं तो मम्मी पापा को बुलाओ। तो उस चक्कर में मम्मी भी कई बार गई हैं स्कूल टीचर्स को मनाने हैं, कई बार हमारा प्रिंसिपल को नाम गया था उस टाइम पर। वो काफ़ी शॉकिंग होता है फॉर टॉपर्स कि तुम बचपन से टॉप कर रहे हो और अचानक तुम्हें प्रिंसिपल बुला रहा है फॉर अ बैड बिहेवियर। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था स्कूल को मेंटेन करें कि आईआईटी को करें, कि स्कूल तो चाहिए, बचपन से हम लोग स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं और वो भी केंद्रीय विद्यालय में, एक आर्मी के डिसिप्लिन टाइप हम लोग जिंदगी जीते आ रहे हैं, तो उसमें स्कूल और कोचिंग, सबसे पहले ये डिसीजन लेना कि स्कूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग, उस टाइम पर हमें उतना क्लियर नहीं था, तो वो मेंटेन कर पाना एक मुश्किल था। 11th 12th दोनों एक साथ कैच करना बहुत मुश्किल पड़ा था, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये सब जो बहुत सारे रटने वाली चीज़ें। मैथमेटिक्स फिर भी सही थी, फिजिक्स में मैंने एससी वर्मा 1 और 2 दोनों करके रखा था, नहीं एससी वर्मा 1 करके रखा था, 2 पहले कर लिया था, तो लकीली फिजिक्स थोड़ा खिंच गया मेरा खुद सेल्फ स्टडी से, तो उतना दिक्कत नहीं आया जितना केमिस्ट्री में आया था। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें याद करने वाली थी, और दोनों जब एक साथ आई तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारा कोर्स क्रंच करके आया, तो उसमें क्या किया मैंने कि मैंने ब्रूट फोर्स यूज़ किया प्रीटी मच फिजिक्स और मैथ में। तो पहले मैं क्या करता था, पहले चीज़ों को ब्रूट फोर्स थोड़ा बहुत समझ के याद कर लेता था, इररिस्पेक्टिव कि मुझे समझ में आया कि नहीं, फिर उसी को 5 बार पढ़ा 10 बार पढ़ा, देन डॉट्स स्टार्ट टू कनेक्ट। तो ऐसा नहीं है कि पहली ही बार में सब कुछ समझ में आ जाए, तो बहुत सारे फिजिक्स में और थोड़ा मैथमेटिक्स में भी थोड़ा बहुत ब्रूट फोर्स करना पड़ा, थोड़ा क्या काफ़ी हद तक ब्रूट फोर्स करना पड़ा, जिसमें चीज़ें हम करते जा रहे हैं पर उसका सेंस तब नहीं बन रहा था, और वो जनवरी अराउंड जनवरी उसका सेंस बनना स्टार्ट हुआ, जब सारे चैप्टर्स को तुमने अच्छे से रट लिया है, एक एक चीज़ अच्छे से पता है, देन इफ़ यू आर ट्राइंग टू मेक सेंस, तो उस टाइम पे चीज़ें थोड़ी सी आसान हुई। बहुत सारे लोग बाइक से आते थे, मैं साइकिल से आता था उधर से, वो जो टीवी टावर है वहाँ से, तो डेली का आना जाना ये वो, पर बहुत सारी मेहनत लगी, बिना मेहनत के तो कुछ नहीं होता है, बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं पर कई बार हम सोचते हैं कि हम पढ़ रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी, तो उस टाइम पे मैंने बहुत सारी चीज़ें याद कर ली, और फिर जब मैंने 5वीं बार पढ़ा 10वीं बार पढ़ा देन इट मेक सेंस। तो एक बार में नहीं आता है समझ में, एक बार में नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, तो अभी भी मेरा वैसे ही है, जॉब पे भी कई चीज़ें एक बार में नहीं समझ में आती हैं, तो चीज़ों को बार बार करके हम लोग देखते हैं फिर सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर IIT में क्या रैंक आई, और मुझे तो पता है एक्चुअली बट वीडियो के लिए मैं चाहता हूँ कि तुम ही बताओ कि रैंक क्या आई, कॉलेज को किस ग्राउंड पे चूज़ किया, ब्रांच किस ग्राउंड पे चूज़ किया, पहले ये वाली चीज़। तो IIT में मेरी रैंक थी 3856 ऑल इंडिया, एंड तो हम लोग गांव से आए, तो सर से मिलने आए कि सर ये तो जॉब नहीं, ये तो एडमिशन कराना है, और ऊपर से 2 ही दिन बचे हैं क्योंकि हमारा IIT का पैकेज आर्मी में आया था, तो आर्मी में लोग लेके घूम रहे हैं कि ये कौन है भूपेंद्र सिंह जिसका पैकेज आया अजीब से। तो हम लोग गांव चले गए थे, तो गांव से आए फिर वो पैकेज वैकेज लिया, तो उस टाइम पे फिर हम लोग भाग के मिश्र सर के पास आए, रेडियंस आए पूछने के लिए कौन सी ब्रांच, तो सर ने हमें एडवाइस किया था कि पुराना सीक्वेंस देखो और उसके हिसाब से देखो कि कौन सा सही रहता है। उस टाइम पे एक और थे, किसी के पेरेंट्स भी थे, उन्होंने वो बंगाल से थे, उन्होंने भी उनके चटर्जी, हाँ, तो उनके साथ बच्चे ऑलरेडी IIT में थे, सिद्धार्थ चटर्जी, हाँ, तो उनके पेरेंट ने भी थोड़ा गाइडेंस दिया। तो उस टाइम पे मैं कभी घर छोड़ के नहीं गया था, तो मैं थोड़ा होमसिक हो रहा था, तो मैंने बोला था कि या तो इंदौर ले लेते हैं या कानपुर ले लेते हैं, क्योंकि कानपुर में हम लोग रहे हुए हैं और इंदौर में भाग के आ जाऊँगा। मेरा सबसे बड़ा कंसिडरेशन उस टाइम पे था कि मैं घर के पास रहूँ, फिर के लोगों ने समझाया कि भाई नहीं, IIT अलग चीज़ होती है ये वो, तो फिर मतलब सर लोगों के गाइडेंस से फिर हमने वो काउंसलिंग सीट भरी, तो उसमें फिर भी IIT कानपुर उस टाइम पे काफ़ी अच्छा माना, अभी भी अच्छा है, IIT कानपुर और प्रेफरेंस में हमने सबसे पहले रखा, क्योंकि कानपुर में हम लोग रहे भी हैं और IIT कानपुर को वन ऑफ द बेस्ट कहा भी जाता है। तो फिर हमारी काउंसलिंग थी मुंबई में, तो हम लोग मुंबई गए थे, तो पापा को वो कैंपस बहुत पसंद आया, पापा ने बोला ये तो स्वर्ग जैसा लग रहा है। तो हमने काउंसलिंग में कानपुर को हटा के मुंबई ऊपर कर दिया।
तो लोगों का क्या रहता है कि सबसे पहले आईआईटी बॉम्बे सीएस, आईआईटी बॉम्बे इलेक्ट्रिकल ऐसे करके आता है और फिर भरता है। हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस ही आईआईटी बॉम्बे सिविल था, तो हमने 80 सीट 80 चॉइसेस भरे थे। पर जैसे मैंने बताया, मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने मेहनत खूब किया है, पर गाइडेंस टीचर्स ने दिया, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता था। तो इस मतलब वीडियो में भी आप देख रहे होंगे कि हमने मेहनत का पार्ट मैंने किया और गाइडेंस का पार्ट बहुत सारे लोगों ने, जैसे मिश्रा सर हो गए, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो उसी सेंस में हमने आईआईटी बॉम्बे सिविल फर्स्ट प्रेफरेंस भरा था। कई लोग सोचेंगे ये तो मजाक है, पर मतलब उससे और ऊपर ट्राई करना चाहिए था, पर उस टाइम पे हमें, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। और पापा ये भी सोच रहे थे कि अगर सिविल लिया तो यूपीएससी की तैयारी भी करेंगे। वो बिहार की मेंटालिटी। तो हमने उसी जोश में फिर सिविल लिया। हाँ, तो अब मेरे को ये बताओ कि जैसे आईआईटी ज्वाइन तो कर लिए, तो वहाँ पे शुरू में क्योंकि जो बैकग्राउंड था उस हिसाब से वहाँ पे कोप अप करने में कोई दिक्कत आई? नहीं, बहुत दिक्कत है। क्या चैलेंजेस फेस किए वहाँ पे? पहले तो होमसिक का था मैं, एक दो महीने तो रोते ही रहा। तो उसमें क्या था कि सबके पेरेंट्स आए थे छोड़ने और दो दिन में उनको जाना था, तो सबके पेरेंट्स चले गए थे। सिर्फ पूरे इंस्टीट्यूट में मेरे पापा थे जो एक महीने तक रुके थे मेरे साथ मेरे रूम पे, क्योंकि मैं एक महीने तक रो रहा था। तो मैं पहले काफ़ी उस टाइम पे अभी तो देख के थोड़ा सा वैसा लगता है, पर उस टाइम पे मैं बहुत सिंपल नाजुक टाइप था। तो उस पर बड़ी चैलेंज आई कि हमने कभी कंप्यूटर नहीं यूज़ किया था लाइफ में, और हमारा फर्स्ट कोर्स था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमें कीबोर्ड में कीज नहीं पता है और वो हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ाना था। तो उसमें एक डीवी फाटक करके प्रोफेसर आईआईटी बॉम्बे में, वो भी काफ़ी फेमस है टू सपोर्ट स्टूडेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं तो उनका कीबोर्ड में ए भी अलग, मतलब वो हिंदी बैकग्राउंड से आए हैं तो वो कैसे कोप अप करेंगे। तो उनके लिए सर क्या करते हैं कि वो उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं जो जिनका कंप्यूटर पहले से स्ट्रांग है, जिन्होंने 11th 12th में कंप्यूटर साइंस लिया हुआ है, और उन लोगों का भी ध्यान रखने की कोशिश करते हैं जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो मतलब गाँव से ही सीधे निकल के आ गए। वैसे पहले हम लोग टॉप करते आ रहे हैं, फिर अचानक से 20 में से आ रहे हैं 5 नंबर, कभी 100 में से आ रहे हैं 40 नंबर। तो उस टाइम पे लग नहीं रहा था कि आईआईटी हमने अपने से आईआईटी 4 साल निकल पाएगा। तो इसमें अब ये बताओ कि मतलब सिविल ले लिए, अब सिविल में ही रहना है, आगे क्या करना है, ये आइडिया कब आया कि मेरे को सिविल में ही कैरियर बनाना है, या इस बारे में आगे का रास्ता कब क्लियर हुआ, किस स्टेज में जाके क्लियर हुआ और क्या तय किया? क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में मेरे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल हो गया, उसके बाद मेरा सेकंड ईयर में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, थर्ड फोर्थ ईयर मेरा बहुत अच्छा गया था। तो उसमें क्या था, फर्स्ट ईयर में स्ट्रगल के कारण मैंने सेकंड ईयर में अपने एडवाइज़र के पास गया। हर आईआईटीज में एक मेंटर होते हैं जो आपके सीनियर होते हैं, वो गाइड करते हैं, पर हमारे मेंटर वो इंस्टीट्यूट टॉपर थे तो उनका हमसे बहुत ज़्यादा रिलेट हो नहीं पा रहा था। वो बोले थे ऐसे कर लो, हमने बोला कर कैसे ले उसको। तो मैं एडवाइज़र के पास गया कि मैंने बोला सर मुझे कुछ प्रोजेक्ट दे दीजिए, बेसिकली आईआईटी में रिसर्च प्रोजेक्ट्स बहुत सारे रहते हैं। तो मैंने बोला कि सर मतलब मैं कोडिंग, मैंने एक अच्छा काम किया था कि मैं फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद जबलपुर जब मैं आया था तो मैंने कोडिंग और ऑटोकैड, इवन दो मेरा कोडिंग का कोर्स पूरा हो गया है और सिविल में कोडिंग नहीं लगती है, मैंने खुद से एक कोडिंग का कोर्स किया जबलपुर में, 2-3 हज़ार में हो जाता है, और एक ऑटो कैड का, क्योंकि कैड हमें लगता है। और उसके बेसिस पे मैं आईआईटी में स्ट्रगल कर रहा था, तो मैंने एडवाइज़र के पास गया, मैंने बोला सर एकेडमिकली तो मैं लुकिंग बैक वो स्ट्रगल नहीं था, क्योंकि मेरी क्लास रैंक बहुत हाई थी आईआईटी में भी, और जब मैं ग्रेजुएट हुआ तो मेरी क्लास रैंक 104 स्टूडेंट्स में 16 थी। तो मैं उतना भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था जितना मुझे लग रहा है, क्योंकि मैं हमेशा से टॉपर रहा हूं, तो मुझे लग रहा था कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, पर एक्चुअली मैं उतना ज़्यादा स्ट्रगल था नहीं उस टाइम लुकिंग बैक। तो उस टाइम पे मैं गया एडवाइज़र के पास, तो मैंने बोला सर प्रोजेक्ट दे दीजिए, पढ़ाई में थोड़ा ऐसे हो रहा है तो कम से कम प्रोजेक्ट कर लिया जाए, रिसर्च प्रोजेक्ट। तो सर के पास काफ़ी अच्छी फंडिंग थी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक वर्चुअल लैब बनाने की। तो बेसिकली आईआईटीज में पढ़ाई होती है, पर बहुत सारे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में जो कि उस लेवल की पढ़ाई या इक्विपमेंट नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए वर्चुअल लैब का 2009 के आसपास स्टार्ट हुआ था, अभी तो खैर काफ़ी हो गया। तो सर ने मेरे को फिर मतलब फंडिंग दिया, प्रोजेक्ट दिया, फिर मैंने वो काफ़ी सारा
काफ़ी सारा वो हमारे सिविल इंजीनियरिंग में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का कोर था, जो कोर कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसमें एक बुक लिखी थी सेफी ने, एमआईटी के प्रोफेसर हैं 1970s में, वो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है जिसको मैं आज भी लाइफ में यूज़ करता हूँ। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर मैंने काफ़ी सारा कोड और एल्गोरिदम जो बुक में लिखा था उसको चेंज किया, तो उसमें मेरे को बहुत इंटरेस्ट आया और उसके बेसिस पर मेरे सेकेंड ईयर में मैंने ऐसे IIT में क्या होता है, सेकंड ईयर में बहुत सारे लोग इधर उधर ईमेल भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, तो मैंने भेजा था, तो MIT में एक प्रोफेसर ने मेरे को इंटर्न दिया सिंगापुर में सेकंड ईयर में, मतलब सेल्फ। तो पहले जबलपुर में आके मेरे को, तो इनिशियली मुझे कोडिंग का जीरो नॉलेज है, मुझे कीबोर्ड भी नहीं पता, फिर मैं जबलपुर में आके कोडिंग पढ़ा, फिर सेकंड ईयर में जाके खुद से ही मैंने सर से प्रोजेक्ट मांगा, फिर उसके बेसिस पे मेरी MIT में इंटर्न लगी। मतलब ये काफ़ी रैपिड हो गया मेरे साथ। तो उस टाइम पे मेरा पासपोर्ट नहीं था, उस पासपोर्ट का एक बहुत लंबी कहानी है, कितना लंबा वो बहुत लंबा स्ट्रगल चला गया, तो उसमें मेरा इंटर्न छूट गया। तो फिर लकीली थर्ड ईयर में थोड़ा बहुत आगे पीछे करके वो सेम इंटर्न मैंने, मतलब सिंगापुर से डायरेक्ट वो करके फिर वो सिंगापुर में इंटर्न करी, वहाँ से मेरा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हुआ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में। और उसमें क्या था कि उस टाइम पे एक ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स भी आते थे, जो प्रोफेसर्स पढ़ा रहे हैं वो ऑलरेडी एक CDIP करके था और एक NPTEL करके, NPTEL का कुछ था, CDIP के ज़्यादा थे, जो IIT बॉम्बे की स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर सीरीज थी। तो सिंस मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं गर्मियों की छुट्टियों में ऑलरेडी कोर्स पढ़ के जाता था जो नेक्स्ट सेमेस्टर में होने वाले हैं, तो उस बेसिस पे मैंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स में बहुत हाई स्कोर करना स्टार्ट किया। जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एक कोर्स था जो पूरे IIT बॉम्बे के लिए चलता है, उसमें मैं मतलब वन ऑफ द टॉप में रहता था। एक चीज़ पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी एज में, खास करके 11th में, 12th में, कॉलेज में, फर्स्ट ईयर में, बहुत सारे जो यंग लड़के होते हैं, लड़कियां होते हैं, इनको बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मतलब जैसे लड़कों को लड़कियों के वगैरह ये वो, तो IIT में बहुत चलता है। तो ये डिस्ट्रैक्शंस क्या लाइफ में आए और आते तो होंगे, तो ओवरकम कैसे करते थे, या क्या मैं चाहना चाहता हूँ व्हाट वाज द फोर्स ऑफ मोटिवेशन, क्या चीज थी जो इनसे अलग रख पाती थी, या हाउ डिड यू हैंडल इट? तो डिस्ट्रैक्शन की बात है तो उसमें लड़कियों का मतलब जो रोमांटिक डिस्ट्रैक्शन है वो सबसे बड़ा, आजकल के ज़माने में सबसे बड़ा है, उस टाइम भी काफ़ी हैवी था, पर उससे बड़ा डिस्ट्रैक्शन था कि IIT में कुछ सीनियर हैं जो इंटर IIT जैसे स्पोर्ट्स खेल के बहुत हाई पोजीशन पे चलेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट में पढ़ाई नहीं लगती है। उसके बाद कई लोग मैनेजमेंट में, कई लोग माइनर कर रहे हैं, तो जैसे सिविल में कोई पढ़ रहा है और इलेक्ट्रिकल का माइनर कर रहा है, तो बहुत सारे लोग बहुत सारी फील्ड में अच्छा अच्छा कर रहे थे, कोई ड्रामा में IIT में जाके कोई ड्रामा कर रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई ये कर रहा है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी का ये है, ये बहुत सारे। फिर उसमें पता नहीं चल रहा था कि हम जैसे लोगों को मेन पर्पज़ था IIT के बाद एक जॉब लेना, क्योंकि फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है और IIT गए हैं, तो सबसे पहला था कि जॉब लेना है। तो डिस्ट्रैक्शन तो थे, साथ में ये भी कन्फ्यूजन था कि कौन सा पाथ सही है, क्योंकि कई लोगों को पढ़ के भी जॉब नहीं लगती है, और एक्चुअली नहीं लगी, बहुत सारे ऑलमोस्ट 90% लोगों की जॉब कोर में नहीं लगती है। हमारे बैच में 100 के ऊपर स्टूडेंट थे, उसमें से 4 या 5 लोग ही कोर में हैं, बाकी सब लोग अलग अलग फील्ड में हैं, तो उसका IIT की पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी एक कन्फ्यूजन था कि जब पढ़ाई का ही नहीं लेना देना है तो उसमें क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और वो मोबाइल फ़ोन हो गया, रोमांस हो गया, मतलब तुम्हारे रूम के बाजू में किसी की गर्लफ्रेंड है, ये है, ये सब डिस्ट्रैक्शन थे। लकीली मेरे बचपन से इंटरेस्ट रहा है पढ़ाई में, और मैं इंजॉयमेंट के नाम पर मुझे फुटबॉल जिसको सॉकर बोलते हैं US में, ऐसे ड्रग्स जैसा लगता है, मतलब मेरे को कोई फुटबॉल खेलने बुला ले तो मैं पहुंच जाऊंगा। तो लकीली मेरा स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था कि स्पोर्ट्स हम लोग, मतलब स्पोर्ट्स फुटबॉल ही गर्लफ्रेंड थी। हाँ, फुटबॉल ही गर्लफ्रेंड थी एक्चुअली। हाँ, तो अभी शादी के बाद बोलते हैं कि मेरी वाइफ है और फुटबॉल मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वाइफ से बचना हुआ तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तो उस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए मैं फुटबॉल खेलता था। तो लकीली वहाँ से बच गए थोड़ा, और कोई बहुत सारे स्किल्स भी नहीं थे, जैसे मेरे को अगर डांसिंग आती तो मैं, हो सकता है मैं कुछ ट्राई करता, पर उस टाइम पे हम लोग सिर्फ पढ़ के गए थे तो बहुत ज़्यादा स्किल्स नहीं थे, और रिसर्च बेसिस पे मैंने, मतलब मेरा रिसर्च ऑलमोस्ट किसी भी अदर IIT, मेरा एकेडमिकली उतना स्ट्रांग, एकेडमिकली भी स्ट्रांग था, मेरा BTech विथ ऑनर्स और काफ़ी हाई GPA है मेरा, पर उस टाइम पे मेरा जो रिसर्च पार्ट था वो किसी भी अदर स्टूडेंट पूरे इंस्टीट्यूट में उनसे काफ़ी हाई था।
मेरे थर्ड और फोर्थ ईयर तक बहुत सारे रिसर्च पेपर थे, MIT की इंटर्न थी और कोर में एक कंपटीशन था जिसमें हमने टॉप वर्ल्ड की टॉप 6 यूनिवर्सिटीज़ जो कि US, यूरोप, सिंगापुर, चाइना, इन वर्ल्ड की बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ को हमने सेकेंड ईयर में हराया था सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिशन में। तो उस टाइम पर कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई था कोर को लेकर। तो और उसमें से इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा है हमारे एडवाइज़र का जो हमारे कोर में थे, तो उन्होंने मेरे को मतलब वो नए नए IT में आए थे तो एज ए उनका काफ़ी गाइडेंस था कि कोर में ये होता है, कोर में ये होता है। तो इस तरीके से मैंने कोर में काफ़ी मेहनत की। बट या डिस्ट्रैक्शंस भी थे और अनसर्टेनिटी भी थी। डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा अनसर्टेनिटी काफ़ी रिस्की होती है कि एक तो होता है डिस्ट्रैक्शन की मेहनत करने का मन नहीं करता, एक होता है कि मेहनत कर भी रहे हैं तो हमें पता नहीं है कि वो मेहनत सही जगह पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वो अनसर्टेनिटी भी काफ़ी काफ़ी डेंजरस चीज़ होती है। तो लकली दोनों मैनेज हो गया मेरा। अब ये US जाना है, किस यूनिवर्सिटी में जाना है US में और कैसे जाना है, ये कैसे हुआ? और US में जाके किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला, किस कोर्स में, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। तो US जाना है डिसाइड हुआ थर्ड ईयर प्लेसमेंट के जस्ट पहले। तो मेरा क्या है, मेरी 3 बहनें हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली थी और ऊपर से हमें बचपन से था कि 3 बहनें हैं, दहेज देना है बचपन से। सर को भी पता है, मतलब जब हम लोग 11th में भी फीस कम कराने आए थे तो इसी बेसिस पे आए थे कि मतलब हमारे साथ 3 बहनें और हैं। एक्चुअली बहनों को भी सर ने ऑलमोस्ट फ्री में ही पढ़ाया है आगे चल के, तो वो भी काफ़ी लंबी कहानी है। फाइनेंशियली हमने बहुत सारे जो डिसीजन लिए लाइफ में वो फाइनेंशियली ओरिएंटेड थे उस टाइम पे। तो उस टाइम पे था कि मैं तो सोच भी नहीं रहा था US जाने का। तो उस टाइम पे था कि जॉब लेना है IIT के बाद जॉब लेना है और सिस्टर की शादी करनी है, दैट्स इट। और मतलब घर को थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल करना है, उससे बड़ा था कि सिस्टर की शादी करनी है, अभी तक हुई नहीं है। पर मतलब ये मेरा IIT का मेन गोल था कि IIT के बाद जॉब लेंगे, जॉब से सिस्टर की शादी करेंगे, उसके आगे मैं देख भी नहीं रहा था क्या करना है। तो मेरा मेहनत करते करते वो रिसर्च जो रेज्यूमे होता है वो बहुत स्ट्रांग हो गया था मेरे। मतलब अंडर ग्रेजुएट में कितने ही रिसर्च पेपर होते हैं, पर मेरे काफ़ी सारे रिसर्च पेपर हो गए थे। एक अच्छा एक रिसर्च प्रोजेक्ट भी था जो मैं सेकेंड ईयर से कर रहा था। यूजली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लास्ट ईयर में रिसर्च करते हैं। मेरा रिसर्च जो था वो सेकेंड ईयर से था और उस पर मेरे को अंडर ग्रेजुएट रिसर्च अवार्ड मिला है। तो उस मेरा जो रिसर्च प्रोफाइल था वो बहुत स्ट्रांग था। तो मेरे प्रोफेसर ने रेकमेंड किया कि मेरे प्रोफेसर ने एक दिन मतलब ऐसे बुलाया कि तुम तो US जाओगे, तो मैंने बोला नहीं सर, ये सिंगापुर से आने के जस्ट बाद। तो मैंने बोला नहीं सर, वो तो मुझे जॉब ढूंढना है, मतलब सिस्टर की शादी के लिए ये वो। तो बोल रहे कि फिर सर ने समझाया कि इस US की जो स्कॉलरशिप होती है वो यूजली यहाँ की सैलरी से काफ़ी हाई होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए तो तुम US चले जाओ, तो तुम्हारा रिसर्च में जो ओरिएंटेशन है वो भी हो जाएगा और पैसा भी हो जाएगा। तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया कि हाँ भाई GRE TOEFL देना है, मतलब बहुत लेट डिसाइड किया। तो वो भी कैसे कैसे करके उसके भी काफ़ी स्ट्रगलिंग स्टोरी है वो कभी और, कि TOEFL के लिए मैं पूरे इंडिया में या नेपाल में 2 सेंटर बचा थे, देहरादून में एक नेपाल में। तो नेपाल तो जा नहीं सकते, देहरादून जाने के लिए वो ट्रेन लेना था, तो वो ट्रेन में वेटिंग था। तो मेरे दोस्त ने बोला फ्लाइट से चले जाओ थक जाओगे, तो उसमें मैं वेटिंग टिकट लेके गया और वो TT ने बोला 502 में सीट दे दूंगा। मैंने बोला नहीं, 48 घंटे की जर्नी में टॉयलेट के पास बैठ के गया था पैसा बचाने के लिए। और TOEFL का एग्ज़ाम सुबह 9 बजे था, मैं देहरादून में ठंड में पहुंचा था रात के 6 बजे के आसपास, 48 घंटे बाद। और वो जहाँ पे ट्रेनिंग से एग्ज़ाम सेंटर होता है, मैं एग्ज़ाम सेंटर के सामने सोया था उस ठंड में। पैसा उस टाइम पे पैसा एक बहुत बड़ा मोटिवेटर था। तो मतलब 54 बचाने के लिए भी उस टाइम पे, अभी नहीं, अभी लकीली अभी है अपने पास काफ़ी सारा, तो डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, पर उस टाइम पे बहुत बड़ा मोटिवेटर था कि हम लोग 10 रुपये भी इधर उधर नहीं देते थे। तो मैं 48 घंटे ट्रेन में नीचे से होके गया, फिर वो जाके एग्ज़ाम वाले से पूछा कि हाँ कल एग्ज़ाम यहीं पे है, बोले हाँ। तो मैंने बोला ठीक है, तो वहीं पेड़ के इधर उधर करके हम लोग उधर ही सो गए, जैसे आर्मी वाले आर्मी में भर्ती होने के लिए आते हैं वो लोग सोते हैं, तो ऐसे ही कि कहीं 10 रुपये ना लग जाए। तो US में बताओ कि किस यूनिवर्सिटी में हुआ और वहाँ पर कौन सा कोर्स लिया? तो US में सिविल इंजीनियरिंग में ही लिया मैंने, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसको मैं सेकेंड ईयर से कर रहा था।
उसका जो मेन रीज़न था वो मैंने काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया था क्योंकि वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया, हाल फिलहाल बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, जो पहले भी था पर अभी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। तो उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारे जो इंटर्न का पैसा बचा था उसको यूज़ करके, मतलब मैंने 7-8 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो फर्स्ट प्रेफरेंस MIT जो सबका रहता है, फिर बर्कले, फिर UT ऑस्टिन, फिर ऐसे करके मैंने एक लिस्ट बनाई थी कि हाँ भाई ये हमारे प्रेफरेंस है और जिसमें मेरे को स्कॉलरशिप मिलेगा उसमें मैं ले लूँगा। तो उसमें से एक दो कॉलेजेस से ठीक ठाक ऑफर है और UT ऑस्टिन से डायरेक्ट स्कॉलरशिप का आ गया। तो स्कॉलरशिप काफ़ी अच्छी थी, जो कि मेरे IIT से जो मेरी जॉब लगी थी उससे काफ़ी हाई पे कर रही थी स्कॉलरशिप, तो मेरे को फीस भी माफ़ था और वो पे भी कर रहे थे रिसर्च करने के लिए, जो कि मेरी IIT से जो जॉब लगी थी उससे काफ़ी हाई था। तो डिसीजन इजी था मेरे लिए कि मेरा इंटरेस्ट भी पूरा हो रहा है, फाइनेंशियली भी मैं सही हो रहा हूँ। फिर वहाँ जाकर US में इस यूनिवर्सिटी में जाके टेक्सास में कितने साल पढ़ाई करी और फिर आई थिंक एक और वहाँ पे एग्ज़ाम क्रैक किया, जो मैं उसमें बात तुमसे होते रहती थी, थोड़ा सा ब्रीफ में उसके बारे में। IIT में पढ़ के तो मन बिल्कुल थक चुका था टू बी ऑनेस्ट। तो IIT में US जाने के बाद हमने मतलब कोर में काफ़ी रिसर्च बेस्ड पढ़ाई करी, काफ़ी फोकस पढ़ाई करी, फोकस लाइक रैंडम चीज़ों पे नहीं कि जो मिल गया वो भी पढ़ लिया, बहुत फोकस पढ़ाई करी। और बहुत हम वहाँ पे फ्लड लाइट्स में हम लोग रात में 9 से 11 ऑलमोस्ट डेली फुटबॉल खेलते थे, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद मतलब 2 साल तो ऐसे करके निकल गए, फिर वो रिसर्च मतलब पूरा रिसर्च फोकस मास्टर था। तो उसको करने के बाद फिर मतलब मैंने जब जॉब स्टार्ट किया तो एक लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम होता है, P लाइसेंस, जो कि ऑलमोस्ट सभी सिविल इंजीनियर्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स US में जो होते हैं वो स्टेट उस स्टेट में एक लाइसेंस के लिए एग्ज़ाम देते हैं। तो वो एग्ज़ाम हमारे लिए, क्योंकि मैंने इतना पढ़ाई कर लिया था तब तक, तो मेरे लिए बहुत ईजी, मतलब वो एग्ज़ाम क्या होता है कि उसमें ओपन बुक एग्ज़ाम होता है, लोग सूटकेस भर के बुक्स लाते हैं, उस टाइम पे ओपन बुक्स अभी ऑनलाइन हो गए, तो बहुत सारे लोग इतने बड़े बड़े सूटकेस में लेके आए थे, 8-8 घंटे का, 4-4 घंटे का 2 एग्ज़ाम होता है। तो उसमें मतलब मैंने कुछ ज़्यादा ही उस टाइम पर तैयारी मैंने थोड़ी अच्छी कर रखी थी, मेरा बैकग्राउंड भी IIT से लकली कोर में था। तो ब्रीफली बात यही है कि मैं उसका वन ऑफ द फास्टेस्ट सॉल्व मैंने किया था। तो पहले 40 क्वेश्चन थे उसको मैंने सॉल्व करा, फिर वो हाथ उठाया तो बोले कि हाँ मतलब तुम्हें ब्रेक लेना है मतलब टॉयलेट जाने के लिए, मैंने बोला नहीं हो गया मेरा पेपर। फिर दूसरे वाले में तो दूसरे लोग पेपर लिखना चालू किए तब तक मेरा हो गया था। तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि इंडियन लोगों को US वाले जो क्वेश्चन पेपर होते हैं वो ऑलमोस्ट बहुत इजी पड़ता है हम लोगों को, और ऊपर से मैं IIT से गया था, तो मतलब नॉट टू ब्रैग अबाउट इट पर हमारे लिए अगर लोग 2 महीने पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक रात में पढ़ के वो उतना ला सकते हैं US में, तो उतना डिफिकल्ट नहीं रहता है, पर वो कुछ 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 अलग ही एक्सपीरियंस था। तो उसके बेसिस पे मतलब मैं एक लाइसेंस इंजीनियर हो गया हूँ US में, स्टेट ऑफ टेक्सास में, और जो कि साइन एंड सील प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकता हूँ। जब उस समय मुझे याद है कि जब IIT से तुम US में गए टेक्सास में, तो कुछ एजुकेशन सिस्टम पे, कुछ पढ़ाई के तौर तरीकों पे उस समय हमारी कुछ बातें हुआ करती थी, तो मैं चाहता थोड़ा सा उसके बारे में बताओ कि क्या चेंजेस फील किए भारत में IIT में पढ़े, स्कूलों में पढ़े, उसके बाद US यूनिवर्सिटी में गए, तो इमीडिएटली क्या अंतर महसूस किया या क्या ऐसी बात है जो एकदम अनोखी और अलग है जो बताना चाहोगे? हाँ सर, तो मैं IIT को क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहता, बहुत सारे लोग मेहनत करके IIT चले जाते हैं और देन दे थिंक कि उनका फ्यूचर सिक्योर हो गया, या समाज में ऐसे मतलब सीना चौड़ा करके चलते हैं कि भाई हमने IIT निकाल लिया है देखो हम सही रहे हैं, तो वैसी बात नहीं है। IITs में भी सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा यूज़ करनी पड़ी थी हमें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो पढ़ते नहीं हैं, मतलब वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी अलग अलग में, तो IITs डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट है, पर वो US के कंपेयर में स्टिल इट लैक्स मैनी थिंग्स। तो IIT में भी जैसे ऑलमोस्ट 90-95% लोग नकल मार के इधर उधर से लैब पूरा कर ले रहे हैं, वो इतना रिजिड नहीं है जितना कि US का एजुकेशनल स्ट्रक्चर है। तो जैसे IIT में भी
पढ़ाई के नाम पे, मतलब कुछ दिन क्लास गए कुछ दिन नहीं गए, किसी ने प्रॉक्सी मार दिया, किसी ने ऐसे ऐसे कर दिया, बहुत ही फ्लूइड टाइप था। और उसमें से कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, वो भी लग रहा था कि आईआईटी एक स्कूल टाइप है जो उसमें करिकुलम बहुत ही डिफिकल्ट है, पर वो समझ में नहीं आ रहा था, बच्चे पढ़ भी नहीं रहे थे उतना ज़्यादा इंटरेक्टिव या वैसा नहीं था जहाँ पे हम लोग मतलब फोकस करके पढ़ाई करने जा रहे हैं। मतलब नकल तो होती ही थी और उसमें भी जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई, मतलब अगर देख रहे हैं बच्चे कि अगर इसमें जॉब नहीं मिल रहा है तो फिर वो पढ़ाई नहीं करेंगे, या तो कोर में आईआईटीज में और भी कोई नहीं पढ़ना चाहता, सभी लोग मैनेजर बनना चाहते हैं, सभी लोग सीईओ बनना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग कोर में भी नहीं पढ़ना चाहते थे। तो मतलब उतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था आईआईटीज के एजुकेशन का। तो उस टाइम पे जब मैं यूएस गया तो यूएस में बच्चे बहुत ही डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो उस टाइम पे मैंने सर को बताया था दो अलग अलग इंसिडेंट। एक वाले में क्या था कि हमें होमवर्क मिला था, तो उस कोर्स को मैंने आईआईटी के एडवांस, आईआईटी में एक एडवांस कोर्सेज भी रहते हैं, तो मैंने एडवांस कोर्स आईआईटी में कर रखा था, तो सेम कोर्स मेरे को वहाँ पे मिला जो कि एडवांस मैंने आईआईटी में कर रखा है, तो मेरे को आंसर थोड़ा इजी पड़ा था, तो मैंने सॉल्व कर लिया। तो वो बच्चे के मतलब ऐसे ही कि ये एग्ज़ाम की बात नहीं है, ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात है। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिला था, प्रैक्टिस क्वेश्चंस टाइप क्विज मिला था। तो उस क्विज में मैंने बताया कि हाँ ये तो इजी, वो बोले मतलब बच्चे डिस्कस कर रहे थे कि बहुत डिफिकल्ट है, तो मैंने बोला ये तो ईजी है, मैं देखता हूँ, मैं भेजता हूँ। आईआईटी में क्या था कि चीटिंग नहीं बोल, जैसे लैब का था ना, तो बच्चे मेरा कॉपी करके ले जाते थे, तो वो कॉपी ना करें, तो मैंने एक वेबसाइट बना लिया था कि भाई यहाँ से तुम मेरे रूम पे आके कॉपी मत करो, ये वेबसाइट पे मैं डाल दूंगा, तुम लोग वेबसाइट से कॉपी करो। तो वो लड़के वेबसाइट से भी नहीं कॉपी कर रहे, उसका प्रिंट आउट ले जाके लैब में, मतलब आईआईटी में इतने मतलब बच्चे इतने निठल्ले हो गए थे जाके कि पूरे बैच, मान लीजिए 100 लोगों का बैच है, तो उसमें 90 लोग, एक अगर आपको एट होम असाइनमेंट दिया जा रहा है या तो लैब दिया जा रहा है, तो उसमें 90 लोग कॉपी करके जाएंगे, बेयरली एक या दो लोग जेन्युइन स्टडी करते थे उस टाइम पे। और अभी भी मतलब कोर में पता नहीं है, इतना इंटरेस्ट नहीं है, आईआईटी में पहुंच तो जाते हैं पर वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई नहीं जाता, या तो अपनी नाक ऊँची करने के लिए, या तो कि मतलब बड़ी बड़ी जॉब के लिए, दो लोगों के लिए, मतलब ये दो के लिए नॉलेज बेस्ड पढ़ाई वहाँ पे नहीं, बहुत कम दिखी। मतलब एक लेवल ऑफ एरोगेंस दिखता है कि आईआईटी में, कि हाँ हम आईआईटी में आ गए हैं तो मतलब हम शेर हो गए हैं, उस टाइप का। पर यहाँ पे क्या था कि मैंने उसको बोला कि ये क्विज का है, इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर, बोला नहीं नहीं मुझे मत बता। यूएस में वो मेरा अच्छा दोस्त है अभी भी, तो उसने बोला कि नो, आई डोंट वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू सॉल्व इट माई सेल्फ, भले ही वो गलत करे, एक एट होम असाइनमेंट को भले ही वो गलत करे, वो खुद करना चाहता है बच्चा। तो वो काफ़ी शॉकिंग लगा मेरे को क्योंकि हम लोग वहाँ पे इंडियन भी थे, हम लोग आप मतलब मैंने लिखा तो किसी ने टिप लिया तो मुझे लगा कि भाई ये क्विज, मतलब असाइनमेंट तो कोई भी कॉपी करता है, तो असाइनमेंट क्यों नहीं कॉपी। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे लोग सीखने के लिए बहुत बड़ी भूख टाइप रहती है। ऑनेस्टी आईआईटी में भी वो एक उसके पार्ट है, क्या बोलते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट का पार्ट है, पर वहाँ पे बहुत सीरियसली लिया जाता है। अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो उस कोर्स में ड्रॉप कर देंगे, या तो जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके हिसाब से, और बच्चों की खुद की मेहनत और ऑनेस्टी काफ़ी ज़्यादा है यूएस में। तो यूनिवर्सिटीज़ में ये डिफरेंस दिखा मेरे को लकीली, कि वो काफ़ी मेहनत करते हैं। एक दूसरा इंसिडेंट मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फाइनल एग्ज़ाम था वो टेक होम एग्ज़ाम था। तो एक ही नहीं, मतलब हमारे चार सेमेस्टर थे, उन चार में से करीबन तीन या चार फाइनल थे जो हमने घर पे बैठ के लिखे हैं। और वो टेक होम एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि घर ले जाओ और 24 घंटे में मतलब नेट एट से देख के, वो तुम्हें एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया बता देंगे कि हाँ तुम्हें 3 घंटे बैठ के टाइम देना है, तुम ये रिसोर्सेस यूज़ कर सकते हो और ये नहीं कर सकते, और उसके बेसिस पे तुम्हें ला के नेक्स्ट डे देना है तो हम लोगों को लगा कि भाई ये क्या मजाक मतलब कॉपी तो कर ही लेंगे लोग, पर
वैसे मेरे को उतनी ज़रूरत नहीं पड़ी, और वो जो ऑनेस्टी से जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन आता है, मतलब इंडिया को बोलते हैं कि हमारा मतलब कोर वैल्यूज़ बहुत स्ट्रांग है, पर वो फीलिंग मेरे को पहली बार US में आई थी कि जो एजुकेशन की जो कोर जो ऑनेस्टी की जो फीलिंग है वो काफ़ी अच्छा लगा था कि जो बच्चे गए घर पे, उन्होंने 3 घंटा ही दिया और नेक्स्ट डे आके बता भी रहे हैं कि भाई इस वाले का ये वाला मेरा हल्का सा रह गया कि 3 घंटे में नहीं हो पाया, मैंने बोलो पूरा दिन पढ़ा था। तो अब उसके बाद जब एजुकेशन हो गई US में और ये सब चीज़ चलने लगा, तो अब नाउ यू आर वेरी मच मैरिड एंड सेटल्ड, तो थोड़ा सा अपनी लव लाइफ या मैरिज लाइफ के बारे में ब्रीफ में मैं पूछना चाहूँगा, इफ़ यू लाइक टू शेयर। हाँ सर बिल्कुल। तो मेरी क्लास में ही थी उस मैडम, तो मेरी क्लास में कहाँ से बिलोंग करती हो? वो चाइना से हैं, वो उस टाइम पे एज ए विजिटिंग स्कॉलर आई थी, तो ट्रांसपोर्टेशन में सबको फंडिंग थी, तो सबको एक एक मतलब डेस्क स्पेस अलॉट हुआ था, तो उसका स्पेस मेरे बाजू में था। अब खैर अभी तो शादी हो गई है, तो शादी भी हो, दो प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं, बच्चे भी, और उनका नाम भारती है। हाँ, तो अजय और रवि, अजय एंड रवि। क्या मैं मान के चलूँ कि फाइनेंशियली इफ़ यू लाइक टू कोट समथिंग कि योर अचीवमेंट्स लाइक योर गोल वाज लाइक मनी और लाइक पैसा कमाना, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, तो व्हाट यू थिंक योर अचीवमेंट्स आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, जो बताना चाहोगे कि जो जिस व्हाट इज लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन और व्हाट डू यू वांट टू डू मोर इन लाइफ? हाँ सर, तो माय थिंकिंग हैज चेंज्ड अ लॉट। पहले जो मेरा लाइफ में गोल था वो पढ़ पढ़ के मतलब पढ़ के पैसा कमाना था। हाँ, और वो जो कि सही भी है, अगर अगर आपका घर ही ठीक नहीं है देन यू कैन नॉट थिंक अबाउट नेशन और ये वो। तो वो अभी एंड आई फील लाइक कि मेरा जो पर्सनैलिटी एंड थाट प्रोसेस है इट हैज़ चेंज एवरी 3 ईयर्स। तो हर तीन साल पहले मैं बिल्कुल बच्चे जैसे था, फिर थोड़ा ग्रो हुआ, फिर थोड़ा मेच्योर हुआ, एंड नाउ आई एम लाइक लिटिल बिट मोर ऑन द प्रोफेशनल साइड। अगर कोई तैयारी कर रहा है देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो सेलफोन से दूर रहे क्योंकि इस ज़माने में अगर मैं तैयारी करता है तो मुझसे IIT नहीं निकलता क्योंकि आजकल सेलफोन्स आ गए हैं। आजकल के बच्चे जो है दे आर ऑल इनटू स्मार्टफोन्स और व्हाट्सएप और इंस्टा सब में, तो इन बच्चों के लिए क्या सुझाव देना चाहोगे? तो आपकी आधी तैयारी हो जाएगी अगर आप सेलफोन से अलग हो जाएंगे। हाँ, सेलफोन इज़ वेरी डिस्ट्रक्टिव, वेरी डिस्ट्रैक्टिंग एंड वेरी डिस्ट्रक्टिव। तो मैं भी कोशिश करता हूँ मिनिमाइज करा जा रहा है यूज़ को, क्योंकि वो इतना सारा नॉनसेंस नॉलेज, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा भी सीख लेंगे ना तो वो दिक्कत का काम है। जैसे हमको रेडियंस में बताया गया था कि आप इस पैकेज से ही आएगा, मिश्रा सर का ही डायलॉग है कि ये पैकेज कर लो, इस पैकेज से ही आएगा, तुम साइड वाला बुक मत करो, इसी को 2 बार कर लो, अगर टाइम बचता है तो इसी को 2 बार कर लो। और वही लाइफ में भी मैं लेकर चलता हूँ कि बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है, तुम्हारा कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है एंड इट्स मोर देन इनफ टू क्रैक IIT और UPSC और एनीथिंग। लाइक तुम्हें बहुत ज़्यादा ये एक्स्ट्रा बुक, ये उधर से साइड बुक और ये वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो उसी बेसिस पे तुम्हें जैसे कोई स्मार्टफोन ले आके कोई समझा रहा है कि अरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सर ने ये समझाया था, ये देखो ये नया तरीका, ये सब बकवास की ज़रूरत नहीं पड़ती है लाइफ में, तुम्हारे कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं एंड यू डेफिनेटली डोंट नीड ए सेल फोन। अभी की स्टेटस आगे क्या देखते हो लाइफ को किस तरफ जाती हुई? अभी जो है अगर आगे आई एम ओपन टू फेलियर, तो ये एक्चुअली फाइनेंशियली हम लोग स्टेबल हो गए हैं और रिलेशनशिप वाइज भी मेरे थोड़ी काफ़ी स्टेबिलिटी आ गई है लाइफ में, तो मैं आई एम ओपन टू फेलियर। तो उस सेंस में अगर मैं काफ़ी चीज़ें अभी जैसे मैं बहुत सारे चीज़ें डेवलप कर रहा हूँ, अगर मैं खुद का कुछ स्टार्ट करता हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, तो US में एक अच्छा है कि सिविल इंजीनियरिंग में इफ़ यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग वो दुकान टाइप होता है, तो आपने स्टार्ट किया और उसमें एक जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के उसमें 25% काइंड ऑफ रिजर्वेशन रहता है, नॉट रिजर्वेशन, 25% रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो इंडिया में भी रहती हैं पर वो लोग घोटाला कर देते हैं। तो इंडिया में भी रिक्वायरमेंट है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट का एक छोटा सा पार्ट उन कंपनीज को दिया जाए जिन्होंने नया स्टार्ट किया है। तो उस बेसिस पे सिविल इंजीनियर में अगर आपके पास लाइसेंस है, फर्स्ट यू नीड ए लाइसेंस, देन यू नीड एक्सपीरियंस एंड देन यू नीड कनेक्शंस। तो मैं इन सबको, लाइसेंस तो हो गया, एक्सपीरियंस मैं थोड़ा गेन कर रहा हूँ काफ़ी, और गेन करते करते मैं उसको स्टोर भी कर रहा हूँ। तो उसका मैं खुद का एक प्रोसेस है कि मैं कैसे एक्सपीरियंस गेन करता हूँ, कैसे स्टोर करता हूँ, और मेरा एक फ्यूचर प्लान एंड विज़न है कि मैं क्या करूँगा आगे। LLC खोलेंगे, लिमिटेड लाइबिलिटी कॉरपोरेशन, और फिर उसी को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
वाह, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे से जबलपुर या रेडियंस के एल्यूमिनाइज को अपने स्टार्टअप में जरूर एक अच्छी प्रायोरिटी पे उनको कंसीडर करोगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिकॉज नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू सोसाइटी वंस यू हैव अचीव्ड इट। तो वीडियो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो मुझे लगता है कि फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, एक और वीडियो बनाएंगे एंड विद द बेटर हाफ ऑफ अमित जांगलिंग आ रही हैं जबलपुर और इंडिया। इंग्लिश में होगा? हाँ, वो इंग्लिश वर्जन होगा और उसमें दोनों जन साथ में बैठेंगे और एक साथ डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर, और मैं तो चाहूँगा कि इसको अधिक से अधिक बच्चों के साथ शेयर किया जाए, ताकि राइट फ्रॉम द कोर जो इन्फॉर्मेशन है ये एस्पिरेंट्स तक और रिलेवेंट लोगों तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू सो मच।